भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी के बाद भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराकर गणतंत्र के ऐतिहासिक जन्म की घोषणा की थी। तब से लेकर अब तक हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र के रूप में पूरे हर्ष और जोश के साथ मनाया जाता है। इस दिन सैन्य बल शक्ति प्रदर्शन करते हैं और देश के हर राज्य की संस्कृति को मनमोहित कर देने वाली झांकियों के रूप में दिखाया जाता है और इसी के साथ कई रंगारंग कार्यक्रम भी होते हैं। अगर गणतंत्र की बात हो तो बाबा साहब का जिक्र आना स्वाभाविक है। पूरे देश के संविधान को मुट्ठी में लपेटकर शत शत नमन उन्हें वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर या फिर यूं कहें बाबा साहब अम्बेडकर, हर कोई इस नाम को जानता है पहचानता है। आखिर जाने भी क्यों ना, उन्होंने जात पात ऊंच नीच छुआछूत जैसे मानसिक रोगों को समाज से मिटाने में अहम भूमिका जो अदा की। बाबा साहब की ही देन है जो आज हमारे पास स्वतंत्रता के सारे अधिकार हैं। आज इसी लोकतांत्रिक देश में अगर हम रह रहे हैं तो ये बाबा साहब की देन है। हमारे देश के संविधान को 2 साल 11 महीने 18 दिन के लंबे विचार विमर्श के बाद आखिरकार 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अगर हम बात करें हमारे संविधान की तो यह विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा व लिखित संविधान है। पर अगर हम आज की बात करें तो देश ना बापू का रहा है ना बाबा साहेब का, आज देश हवानियत का हो गया है। आज हमारे देश में कानून मुजरिमों को ना तो समय पर सजा दे पा रहा है और ना ही जुर्म के शिकार व्यक्तियों को समय पर इंसाफ, बल्कि रोज एक नई निर्भया और दामनी जिंदगी से जंग हार रही है। गुनहगार को सजा नहीं मिल पा रही क्योंकि हमारे संविधान एक आरोपी को भी अपनी आवाज उठाने की छूट देता है। तो क्या आज हमारे संविधान का लचीलापन हमारे देश की कमजोरी बन गया है? तो इस बात को जानने के लिए सुनते हैं कुछ युवाओं की आवाज और जानते हैं कि क्या आखिरकार परिवर्तन की आवश्यकता है। 26 जनवरी, जिसे हम याद करते हैं गणतंत्र दिवस के नाम से, इसी दिन हमें बाबा साहब की याद आती है और आज से 70 साल पहले लिखा गया संविधान जो लागू हुआ था, जिसके बलबूते पर आज हमारे पास अधिकार है मत देने का, बोलने का और समानता का। पर अगर देखा जाए तो आज यह संविधान कहीं ना कहीं प्रश्नों के घेरे में आ चुका है। जब हम निर्भया की माँ के आंसू देखते हैं, लंबे इंतज़ार को तरसती आँखें देखते हैं, तब कहीं ना कहीं लगता है कि क्या संविधान सार्थक हो पाया है। आज 26 जनवरी के मौके पर मैं आई हूँ RIPG कॉलेज में और जानेंगे कुछ छात्र छात्राओं से कि उनका संविधान के बारे में क्या कहना है और क्या परिवर्तन जरूरी है इस बार। चलिए जानते हैं कुछ छात्राओं से। हेलो एवरीवन, आज हम एक स्पेशल प्रोग्राम बना रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे। कुछ बातें जानना चाहूँगी आपके विचार संविधान पे। तो सबसे पहले आपका नाम? प्रियांशी। प्रियांशी, जब आप अपने देश का संविधान सुनते हैं तो आपके मन में सबसे पहली चीज़ क्या आती है? कि जो हमारा देश का संविधान है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन चल रही है। जिसके पास पैसे हैं उनकी अब सब सुनते हैं, जिनके पास पैसे नहीं उनकी कोई नहीं सुनता। आजकल हम देख रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर को याद करने का दिन है 26 जनवरी, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। बड़े 2 साल 11 महीने 18 दिन संविधान के ऊपर बहस हुई, विचार विमर्श हुआ, उसके बाद इसे लिखा गया। पर जब आज आप देखते हैं एज अ वुमेन निर्भया का केस, इतने लंबे इंतज़ार के बाद एक फैसला आता है फांसी की सज़ा का और उसके बाद भी उनको अधिकार मिलता है दया याचिका का, उस पर कुछ बोलना चाहेंगे? एक्चुअली मतलब जैसे अभी निर्भया केस हुआ था तो इस पर मतलब जैसे अभी 22 जनवरी को फांसी होने वाली थी इनको, लेकिन इनकी फांसी टाल दी गई कि 1 फरवरी को दी जाएगी। ये मतलब इन्होंने दया याचिका की थी सुप्रीम कोर्ट में कि हाँ कि ऐसे ऐसे है। और एक और मतलब न्यूज़ आई थी कि इन्होंने दया याचिका की थी कि मतलब दिल्ली का पानी वैसे भी ख़राब है, ऐसे ख़राब है, हम ऐसे ही मर जाएंगे तो हमें फांसी क्यों दी जा रही है। तो इस बात पे ये है कि मतलब इतना बड़ा मतलब 7 साल का, और वो भी 2012 में हुआ था या निर्भया केस, हाँ 2012 में हुआ था, और आई थिंक वो बिहार से थी वो लड़की, शायद लड़की बिहार से थी, दिल्ली की रहने वाली, दिल्ली की रहने वाली थी। और मतलब जैसे उसकी मम्मी को भी मैंने देखा था न्यूज़ पे, बहुत रो रही थी और उन्होंने कहा भी कि इतने 7 सालों का इंतज़ार कम नहीं होता, वो भी ऐसे। और मतलब जैसे अगर
ऐसा कुछ हो रहा है तो मतलब ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्यों देना, मतलब सीधा फांसी दे दो इनको, ऐसे करप्शन होंगे ही नहीं आगे कभी। करप्शन की बात आ गई, बहुत सारे ऐसे केसेस थे जिसमें मतलब कि उन्होंने केस दर्ज किया उसके बाद 17-17 साल 30 साल का इंतज़ार लंबा। क्या आपको लगता है उस न्याय का कोई फ़ायदा होता है जो 30 साल बाद मिले जब कोई विक्टिम बचा ही नहीं उसके, उसका मेन जिसके साथ हुआ इतना टाइम नहीं लगाया उसको मारने में, तो उनको इतना ज़्यादा टाइम क्यों दिया जा रहा है? उनको भी इतना टाइम नहीं देना चाहिए, उनको भी उसी वक्त, मैं तो यही कहती हूँ भाई, उसी वक्त ही उनको फांसी पे चढ़ा देना चाहिए बिना किसी के न्याय के और बिना किसी फैसले के, उनको चढ़ा देना चाहिए। तो चलिए अब ले लेते हैं एक लास्ट मैसेज फ्रॉम दिस गर्ल्स। पीजी कॉलेज में हमने एक पब्लिक रिव्यू किया जिसमें हमने छात्राओं से पूछा कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन पे 26 जनवरी पर क्या कहना है, क्या परिवर्तन ज़रूरी है या जो चीज़ पहले लिखी गई वो लोगों तक पहुंचानी ज़रूरी है। तो हमें दोनों तरह के रिव्यू मिले कि जो चीज़ लिखी गई वो अभी तक पहुँच ही नहीं पाई है, सेकुलरिज्म की बात हो, कास्टिज्म की बात हो, भेदभाव की बात हो, वो कहीं ना कहीं हमारे देश के कई तबकों में अभी भी है। और अगर हम बात करें आज की न्याय प्रणाली की तो वो हद से ज़्यादा स्लो हो चुकी है क्योंकि लाखों करोड़ों में केसेस पेंडिंग पड़े हैं और हमारे पास जजेस सिर्फ हज़ारों में हैं। लोगों के पास जब तक उनका नंबर आता है तब तक वो दुनिया को अलविदा कह चुके होते हैं। चाहे हम निर्भया की बात करें, निर्भया केस का इतने लंबे इंतज़ार के बाद भी फांसी की सज़ा तो ज़रूर हुई पर अभी भी वो केस चल रहा है। क्या इस न्याय प्रणाली को परिवर्तन की ज़रूरत है? हमारी रिव्यू में यही लगा कि हाँ, परिवर्तन की ज़रूरत है। आज के युवा की आवाज़ अगर हम सुने तो बात एक ही है कि परिवर्तन भी जरूरी है और साथ ही जरूरी है संविधान का सम्मान। हम निर्भया की बात कर रहे हैं तो सबको याद आती है वो माँ की बूढ़ी आंखें और उन आंखों में इंसाफ का इंतजार। इस इंतजार को खत्म करना भी जरूरी है, इसलिए परिवर्तन भी जरूरी है। और आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा, मेरा देश महान है, बाबा साहब पर हम सबको मान है, ऐसे कैसे झुक जाए, ये सुनहरे अक्षरों से लिखा मेरे देश का संविधान है। जय हिंद, जय भारत।